नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। राज्य में गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश में गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग वाली जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। यह याचिका एक व्यक्ति विनीत साहा की ओर से दायर की गई थी, जिसमें देश के सभी राज्यों में गोवध पर प्रतिबंध की मांग यह कहते हुए की गई थी, भारत सरकार द्वारा राज्य में गोवध और गोमांस की खरीदी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देने की वजह से महाराष्ट्र से उन राज्यों में गायों की तस्करी बढ़ गई है जहां ऐसा प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। इससे महाराष्ट्र के मांस कारोबारियों को नुकसान हो रहा है, इसलिए गोवध पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाया जाए। न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अवैध तरीके से मवेशियों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश वह पहले ही पारित कर चुका है। गोवध पर एक राज्य प्रतिबंध लगा सकता है तो दूसरा क्यों नहीं? ऐसे में राज्यों द्वारा पारित किए जाने वाले कानून के मामले में वह किसी तरह का दखल नहीं देना चाहता। महाराष्ट्र की भाजपा नीत महाराष्ट्र सरकार ने 1976 वाले पशु संरक्षण विधेयक में संशोधन कर राज्य में गोवध तथा गोमांस की खरीदी बिक्री और उसे रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के करीब 36 मांस कारोबारियों ने राज्य सरकार के इस कानून की संवैधानिक वैधता को बम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और उससे अपील की थी कि उन्हें गायों की नहीं बल्कि 16 वर्ष से ज्यादा उम्र के सांडों और बैलों के वध की अनुमति दी जाए। अपनी दलील में उन्होंने कहा था कि इस आयु के बाद ये मवेशी खेतीबाड़ी या अन्य काम में इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाते हैं, इसलिए बम्बई उच्च न्यायालय से उन्हें राहत नहीं मिली और न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। ये नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, नोटबंदी और जीएसटी से बढ़ेगा सरकारी राजस्व। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सुरक्षा मजबूत करने के लिए बढ़ाएंगे पनडुब्बियों की संख्या। कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। विकी पॉन्टिंग ने कहा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को भारत में संघर्ष करना होगा। कश्मीरी क्रिकेटर परवेज रसूल ने किया राष्ट्रगान का अपमान, मैदान में राष्ट्रगान के दौरान चबाते रहे चुंगम। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।